तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक बेसिकली ये फ्लूइड का क्वेश्चन है। तो एक इंजन है जो लिक्विड पंप करता है, जिसकी डेंसिटी यहाँ पे डी दिया हुआ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक पाइप है, इस पाइप में ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, और फिर यहाँ पर एक दूसरा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ जिसका लेंथ कुछ एल है, ठीक है। तो अगर लेंथ यहाँ पर एल दिया हुआ है, और लिक्विड की, जो लिक्विड इसमें फ्लो हो रही है, उसकी डेंसिटी दी हुई है डी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेता हूँ दिया हुआ है, विद स्पीड, हाँ जो लिक्विड फ्लो हो रही है उसकी स्पीड भी है, द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी बिगविन इम्पोर्टेड टू द लिक्विड, मतलब इस लिक्विड को कितनी काइनेटिक एनर्जी दिया जा रहा है, इम्पोर्ट, ठीक है ना, मिला इसको काइनेटिक एनर्जी, वो हमें निकालना है। तो देखो, जब यहाँ से तुम लगाओगे इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच, देखोगे तो छोटा सा मास इम्पोर्ट ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी बच्चों। तो अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम कैसे लिखते हैं किसी भी चीज़ का, ये पाइप है तो इसका वॉल्यूम लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, डेंसिटी को मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज द डीएम। अगर तुम यहाँ देखोगे तो जो लिक्विड छोटा सा मास जो डीएम है, वो जो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, जो मास से चल रहा है, तो मास जो डी है, अगर तुम देखोगे एल है, वो क्या भाई डिस्टेंस है, कितना मास ट्रेवल करेगा जो इस वाले क्रॉस सेक्शन से आएगा इस तक जाने में, मान लो टाइम डी टी लगा होगा, तो लेंथ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से लेंथ एल चलेगा, स्पीड लिक्विड की भी है, और टाइम डी टी लग गया, ठीक है। तो अगर मैं इस एल को यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन डेंसिटी को ऐसे मैं ले लूँ, और लेंथ को मैं स्पीड मल्टीप्लाइड बाई डी टी कर दूँ, दिस इज द डी एम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास डी एम ओवर डी टी जो यहाँ से मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा ए डी और यहाँ से भी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यहाँ से मिल गया। हम लोग को ये नहीं चाहिए बच्चों, हम लोग को चाहिए रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस डी एम मास। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम वेलोसिटी वी स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखोगे डी एम ओवर डी टी, तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो हाफ वेलोसिटी वी और यहाँ से डी एम ओवर डी टी, और डी एम ओवर डी टी की वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ से वी का स्क्वायर डी एम ओवर डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी वी और डेंसिटी डी का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेंसिटी वी की पावर क्यू, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पोर्टेड टू द मतलब ए से बी तक, यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ तक जाने में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, इतनी काइनेटिक एनर्जी इम्पोर्ट हो रही होगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।